शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मकामी होटल व्हाइट कैसल में जिला कोऑर्डिनेटर शेखपुरा अदारा बराए समाज इंसाफ इलियास खोकर की जेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें शेखपुरा के सियासी समाजी एडवोकेट सोशल एक्टिविस्ट और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सानहा मुजाहिद कलोनी सरगोदा में होने वाले वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। इजलास में मुकर्ररीन और शिरका ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आए रोज मसीही बरादरी पर जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं और इन पर झूठे इल्जाम लगाकर अकलियतों को तंग करना और झूठी दफात लगाना मामूल बन चुका है। पाकिस्तान में अकलियती नुमाइंदगान की आला क्यादत तक रिसाई होनी चाहिए, ताकि वो मिलकर अकलियतों के तहफ्फुज और इलाकाई मसाइल के हल के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकें। इजलास में अकलियतों के हकूक पर बात की, जबकि अदारा बराए समाज इंसाफ के जिला कोऑर्डिनेटर इलियास खोकर ने अकलियती फॉर्म पाकिस्तान के कायद जवाबत और इस फॉर्म में शामिल होने के लिए मेंबरशिप फॉर्म पर बातचीत की। इजलास में शेखपुरा की सियासी और समाजी शख्सियात, पास्टर साहबान, एडवोकेट, मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं, खवातीन समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और मुश्तरका तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजाहिद कलोनी सरगोदा में होने वाले सानहा पर फौरी तौर पर ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, ताकि असल हकायक को सामने लाकर मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। इजलास के इख्तिताम पर शिरका ने मुजाहिद कलोनी सरगोदा में होने वाले सानहा के हवाले से अपने हाथों में मजम्मती प्ले कार्ड उठाकर अपने मसीही बरादरी के खिलाफ होने वाले वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है।